हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स का क्या हाल है, ये आप देख सकते हैं एचपीएससी की लेक्चरर इन द फैशन डिजाइनिंग की जो पोस्ट थी उससे 2021 के अंदर एडवर्टाइजमेंट आई थी अप्रोक्सीमेटली दिसंबर के अंदर। उसमें आपके 200 प्लस अलग अलग सब्जेक्ट की लेक्चरर की वैकेंसी थी। अभी 13 सितंबर को इसका सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न आया है एंड अगले 2-3 महीने बाद इसका एग्जाम होगा। बट आप सोच सकते हैं 3 साल तक क्या कोई स्टूडेंट उसी एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकता है जब उसको ये ही नहीं पता कब उसका एग्जाम होने वाला है एंड क्या वो वैकेंसी कंप्लीट भी होगी। सेम चीज आप हरियाणा एडीओ सोइल कंजर्वेशन में 2022 की वैकेंसी है एडवर्टाइज कर दी थी बट अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, ना उसको विड्रॉ किया गया है। बात उस पर विड्रॉ की चल रही है कि उसको जल्दी जल्दी विड्रॉ किया जाएगा, उसके बाद आपकी पोस्ट आएंगे। सो अगर इस पेज से गवर्नमेंट वर्क होते हैं तो बहुत ज्यादा इसमें फ्यूचर आप नहीं देख सकते। हाँ कई जगह बीएचपीएससी काम कर रहा है, लाइक कैलेंडर जारी कर रहा है, जो पुरानी वैकेंसीज है 2018 की वैकेंसी का एग्जाम भी पेंडिंग है एचपीएससी के अंदर। एडएससी क्या होगा हरियाणा में, बाकी हरियाणा एडीओ सोइल कंजर्वेशन एंड एडीओ एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर दोनों पोस्ट आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। ठीक है, तो आप अगर ने जो बाकी एग्जाम्स हैं उन पे फोकस कीजिए, जैसी वैकेंसी आएगी तब उसे शिफ्ट हो सकते हो। फुल टाइम आप हरियाणा एडीओ को नहीं दे सकते, दैट इज द रियलिटी। जस्ट आपको इस पोस्ट के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि गवर्नमेंट वर्क्स के अंदर बहुत ज्यादा डिले भी होता है, 10-10 साल लग जाते। सभी के इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।